कांगड़ा नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला शहर में कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस का मेयर होगा, कांग्रेस का डिप्टी मेयर होगा। जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया, इस पर सीएम आज कांग्रेस ने बीजेपी की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ये होता है असली जीत। अगर जनता ठान ली है कि बीजेपी सरकार नहीं कांग्रेस सरकार लानी है तो वो चीज करके दिखाएगी। और आपको बता दूं तो जिस तरीके से शिमला में कांग्रेस को जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, 24 वार्डों में जीत मिली है, और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से शिमला में बताया जा रहा है कि सब कुछ कांग्रेस का ही होगा, जो चीज भी वहां होगा शिमला में सभी के सभी कांग्रेस ही बनेंगे, बीजेपी का कोई भी वहां काम नहीं है, बीजेपी का कोई भी चीज वहां पे नहीं रह सकती, कोई भी सरकार वहां पे एंट्री नहीं कर सकती बीजेपी की, ऐसा कहना है कांग्रेस के लोगों का। तो जिस तरीके से आज बीजेपी की धज्जियां उड़ गई है, 10 के आंकड़े भी पार नहीं कर पाई बीजेपी, 9 पर ही अटक गई, वो बहुत बड़ा जीत यहाँ पे कांग्रेस की मानी जा रही है। और पहले से ही दावा चल रहा था कि यहाँ पे बीजेपी सरकार को नहीं कांग्रेस सरकार की जरूरत है, और शिमला में कांग्रेस सरकार आ चुकी है। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को वोटिंग हुआ था और सभी के सभी बताया उस दिन ही पता चल गई थी कि सभी कांग्रेस में जाने वाली है वोट, और वैसा ही हुआ, सभी लोग कांग्रेस को ही वोट दिए और इतना ज़्यादा को वोट मिला कि आप कुछ कह नहीं सकते। सबसे ज़्यादा वार्डों में कांग्रेस ही जीत दर्ज की हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 24 जिस तरीके से वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी अटक गई है 9 पर ही, और देखने को मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा माहौल बीजेपी खराब हो गई है वहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कांग्रेस की वोट हुई है और सबसे ज़्यादा वार्डों में कांग्रेस को ही जीत मिली है, तो वहाँ पे सभी कुछ कांग्रेस की ही लेन में करना होगा। तो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में तहलका मचा दिया है उसको लेकर यहाँ पे कर्नाटक में ही दावा चल रहा है। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने भी अलग अपना रणनीति तैयार करके वो भी उम्मीदवार उतारना चाहती, तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार जिस तरीके से आ रही है तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आ सकती है। आखिर बताइए यहाँ पे, जब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर सब तमाम नेताओं वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ तो वहाँ पे ऐसे नेताओं भी आ रहे हैं जिनको मिलने नहीं दिया जा रहा है उन पहलवानों के साथ। दिल्ली पुलिस वहाँ पे जुड़ गई है और बताया जा रहा है कि ये सब कुछ काम बीजेपी की रणनीति में ही चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी उन पुलिसों को कह रही है कि जितने भी लोग आए वहाँ पे उनको रोक लिया जाए, पहलवानों से किसी को मिलने नहीं दिया जाए, और बिल्कुल वैसा ही किया जा रहा है। वहाँ के पुलिस की प्रशासन, जितना भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, और नहीं मान रहे तो उनको तमाम उठाकर गाड़ी में बंद करके वहाँ पे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, थाने में बंद कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे पुलिस की दादागिरी चल रही है जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की, और वो बीजेपी के अंडर में ही काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार आ रही है तमाम उपट कर देश में, उसको लग रहा है कि अब बीजेपी तो जाने ही वाली है, ऐसा लोगों का दावा है। तो जिस तरीके से आज शिमला में देखा गया, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पूरा जनता टूट पड़े हैं कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे तमाम शोरों जोरों से तमाम जश्न मनाया जा रहा है, उसको लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है उन्होंने भी सभी को बहुत बहुत बधाई दी है, और कांग्रेस सरकार में बहुत ज़्यादा वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, और राहुल गांधी ने भी सभी को बधाई दी है ट्वीट करके के। तो जिस तरीके से तमाम देखा जा रहा है तो देश में कांग्रेस की जनता एकजुट हो चुकी है, और सभी लोगों का दावा है कि अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, और सभी एकजुट हो चुके हैं, और सभी का कहना है कि अब की बार कांग्रेस सरकार ही आने वाली है। तो देखने वाली बात है कि घमासान टक्कर में किसकी सरकार आती है 2024 में, और जिस तरीके से घमासान तबाहिया में मचाई हुई है बीजेपी और कांग्रेस, उसमें एक तरफ बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ही सरकार आएगी, और एक तरफ कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और दोनों में घमासान लड़ाइयाँ चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि 2024 में किसकी सरकार आती है, आपको क्या उम्मीद है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।